नमस्कार, मैं डॉक्टर मयूरी कोठीवाला हूँ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी जयपुर से। आज का मेरा वीडियो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के ऊपर है। आपके पहले तिमाही में क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या आपको साइंस दिख सकते हैं प्रेगनेंसी के, क्या आपके बॉडी में चेंजेस आते हैं, आपका बच्चा कितना डेवलप होता है, कितना मैच्योर होता है, और क्या क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट टिप्स हो सकते हैं इन पहले 3 महीनों के लिए। इन सभी के बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पहला तिमाही यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर कौन से ड्यूरेशन को हम कहते हैं, किस टाइम पीरियड को हम कहते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है आपका, वो आपके लास्ट पीरियड्स की पहली डेट से स्टार्ट हो चुका होता है। जब आप प्रेग्नेंट नहीं हुए हो या आपको पता भी नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो, वो टाइम पीरियड भी आपके कैलकुलेट होता है। तो फर्स्ट डे ऑफ योर लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर 13 कंप्लीटेड वीक्स, ये आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ इम्पॉर्टेंट साइंस और सिम्टम्स होते हैं जो महिला को देखने को मिल सकते हैं। इसमें सबसे पहले ब्लीडिंग। ब्लीडिंग बहुत हल्की सी होती है, अगर किसी को होती है तो, सबको ब्लीडिंग नहीं होती, लेकिन अगर होती है और बहुत हल्की सी ब्लीडिंग है, ब्राउनिश या डार्क रेड ब्लीडिंग है, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ब्लीडिंग अगर आपकी बहुत लंबी चल रही है या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है या उसके साथ पेट में दर्द है, तो आपको अपने डॉक्टर को संपर्क ज़रूर करना चाहिए जल्द से जल्द। अदरवाइज़ ब्लीडिंग कई बार साइन होता है कि आपको प्रेगनेंसी रुक गई है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, जब बच्चा बच्चेदानी के साथ अटैचमेंट अपना कर लेता है, तो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग उस टाइम पे हो सकती है। अगला सिम्टम हो सकता है आपके ब्रेस्ट में यानी छाती में भारीपन रहना, एक हल्का सा दर्द रहना, वो भी एकदम नॉर्मल सिम्टम है प्रेगनेंसी का, क्योंकि आपके जो ब्रेस्ट हैं वो अब रेडी हो रहे हैं, आपके प्रेगनेंसी रुकी है, तो कुछ हॉर्मोनल चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से ब्रेस्ट में ग्लैंड्स जो हैं वो डेवलप होते हैं, वो रेडी होती हैं, अपने आप को तैयार करती हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए, तो इसीलिए हल्का फुल्का भारीपन तनाव सा रह सकता है। थर्ड सिम्टम हो सकता है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। बहुत बारी प्रेग्नेंट फीमेल्स जो हैं वो कब्ज की शिकायत लेके आती हैं कि सब करके देख लिया लेकिन कब्ज ही नहीं जा रही है। नॉर्मली कब्जी हो सकती है प्रेगनेंसी में, लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो ताकि आपको कब्ज ना हो। उसमें सबसे पहला आता है पानी की मात्रा बढ़ा देना, कम से कम नहीं तो 8 से 10 ग्लास पानी आप डेली लें। उससे आपका जो है फ्लूइड इनटेक अगर अच्छा रहेगा तो कब्ज़ की शिकायत कम रहेगी। इनके अलावा मिनक्के आते हैं, वो आप शाम को भिगो के रात को सोने से पहले खा सकते हैं। मिनक्कों में अच्छा फाइबर कंटेंट होता है। इसबगोल की हस्क आते हैं मार्केट में, आपको रेडीमेड अवेलेबल होती है फाइबर्स, उसमें अच्छा फाइबर कंटेंट होता है, वो आप रात को सोने से पहले गर्म पानी के साथ 2 चम्मच पानी के साथ या दूध के साथ ले सकते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा आप अपने खाने में भी इंक्रीज कर दीजिए फाइबर का कंटेंट, सलाद हो गए, फ्रूट्स हो गए, दाल हो गई, हर तरीके की दाल आप अपने डेली कुछ ना कुछ आप चेंज करके ले सकते हो, दलिया हो गया, ओट्स हो गए, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आपको ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन खा लिया 3 दिन नहीं खाया तो आपको कब से आराम मिलेगा, आपको डेली कुछ ना कुछ अपनी डाइट में इन सब चीज़ों में से एटलीस्ट 1 या 2 चीज़ें डेली कंज्यूम करनी पड़ेंगी। सब कुछ करने के बाद भी अगर आपकी कब्ज़ ठीक नहीं होती है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, वो आपको कुछ और दूसरी मेडिसिन एडवाइस करेंगे। अगला सिम्टम हो सकता है डिस्चार्ज, बहुत ही कॉमन है, वाइट डिस्चार्ज की कंप्लेंट्स महिलाएं हमसे आके करती हैं, लेकिन जब तक डिस्चार्ज में कोई बदबू नहीं आ रही है या उसमें कोई आपको खुजली इचिंग की प्रॉब्लम नहीं कर रहा है डिस्चार्ज, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। नॉर्मली हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो आपका नॉर्मल डिस्चार्ज है वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है प्रेगनेंसी में, तो इसीलिए पानी जैसा या चिपचिपा सा हल्का पदार्थ आपको दिख सकता है वजाइना के ऊपर, तो वो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहा है आपको, तो आप ये कर सकते हो कि अपने जो अंडरगार्मेंट्स हैं वो दिन में 2 बार या 3 बार आप चेंज कर सकते हो। आपको बेसिकली उस एरिया को ड्राई रखना है, डिस्चार्ज आ भी रहा है तो उसको नीचे वाले पार्ट को, प्राइवेट पार्ट्स को आप गीला नहीं छोड़िए, अदरवाइज़ वो और दूसरे इन्फेक्शंस को रिजल्ट कर सकता है। अगला सिम्टम हो सकता है पेशाब का बार बार आना। आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और लास्ट ट्राइमेस्टर में ये कंप्लेंट रहती है,
पेशाब आपको बहुत थोड़ी थोड़ी देर में पेशाब लगता है, लेकिन अगर पेशाब में जलन नहीं है, बदबू नहीं है या फिर निचले हिस्से में दर्द नहीं है पेट के निचले हिस्से में, तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल सिम्टम है। आपके कुछ चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, पेशाब की थैली और जो आपका यूट्रस है, बच्चेदानी है, वो एकदम पास पास होते हैं। तो यूट्रस में जैसे प्रेगनेंसी रुकती है, यूट्रस अपना साइज़ बड़ा करता है, बच्चेदानी का साइज़ बड़ा होता है, तो पेशाब की थैली को थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है, उसकी वजह से आपको बार बार लगता है कि आपको पेशाब आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि आप ये ना सोचें कि पेशाब बार बार आएगा तो इसलिए पानी कम पियो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप पानी कम पियेंगे तो आपको पेशाब के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जिसको आपको अवॉइड करना है। तो पानी की मात्रा बराबर रखिए, 8 से 10 गिलास जैसा कि मैंने कहा वो आपको लेना ही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है हार्ट बर्न, यानी कि जलन, एसिडिटी। आपको प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं बॉडी में, प्रोजेस्टेरॉन जो मेन हार्मोन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, तो आपकी जो फूड पाइप है, जो आपका खाने की नली है जो पेट तक खाना लेके जाती है, उसके बीच में और पेट के बीच में एक कुछ मसल्स होती हैं जो उनको रोक के रखती है खाने को वापस पेट से फूड पाइप में आने से। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन उस मसल को रिलैक्स कर देता है, उसकी वजह से जो भी आपने खाया है या आपके एसिड्स बन रहे हैं पेट में, वो वापस ऊपर की तरफ रीगर्जिटेट हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपको जलन, एसिडिटी और उल्टी जैसा लगना, खाना नहीं खाने की इच्छा, ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं। तो इससे बचने के लिए आपको करना ये है कि आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए, यानी कि टुकड़ों में खाइए और थोड़ा थोड़ा खाइए, एक साथ बहुत सारा खाने की कोशिश मत कीजिए। जब भी आप खाना खाते हो उसके बाद तुरंत लेटने की हैबिट अगर है तो उसको चेंज करना है। कम से कम 10 से 15 मिनट आप टहलिए खाना खाने के बाद और फिर जाके लेटिए। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए, जैसा कि मैंने कहा आपको पानी बहुत सारा पीना है आपको पूरे दिन भर में, और स्पाइसी फूड, तेल, मिर्च, मसाले अगर आप ज़्यादा लेते हो तो वो अवॉइड करने हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट सिम्टम है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस ऑलमोस्ट 85% महिलाओं को तंग करता है। मॉर्निंग सिकनेस में इसके नाम पे मत जाइए, मॉर्निंग सिकनेस का मतलब ये नहीं है कि हमेशा मॉर्निंग में ही आपको परेशानी होगी, उल्टी जैसा मन रहेगा, ये पूरे दिन रह सकता है या दिन के किसी भी पार्ट में रह सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा आप खाना, एवरी 3 आवर्स, 2.5 आवर्स आपको कुछ ना कुछ खाते रहना है। जब भी आप ज़्यादा भूखे रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा उल्टी जैसा मन रहने लग जाएगा, और उसके बाद अगर आप खाली पेट में कुछ भी लेते हो तो उल्टी आके रहेगी। तो इसलिए उसमें मॉर्निंग सिकनेस में ट्रीटमेंट यही है कि थोड़ा थोड़ा आप बार बार खाते रहिए, और उससे भी अगर आपका कंट्रोल नहीं रहता है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो आपको कुछ सिंपल सी मेडिसिन देते हैं जिससे वो कंट्रोल में रह जाता है। और इसमें परेशान होने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये ना सोचें कि नॉर्मल सिम्टम है तो रहेगा ही, कोई इलाज नहीं है। इलाज हर चीज़ का होता है, आपको बस अपने डॉक्टर से बात करनी है जाके। तो ये तो हो गए क्या क्या सिम्टम्स महिला को फेस करने पड़ते हैं। अब बात करते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट कितना होता है। तो देखिए, आपका बेबी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एक जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसके ख़त्म होने तक, यानी कि 13वें हफ्ते तक, सिर्फ 2.5 से 3 इंच लंबा ही हुआ होता है। उसी दौरान उसकी बॉडी में जो मेजर ऑर्गन्स हैं, जो उसका ब्रेन है, इंटेस्टाइन है, हार्ट है, वो सारे सिस्टम्स डेवलप हो रहे होते हैं। मेच्योर नहीं हुए होते हैं लेकिन वो बनना चालू कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि शुरू के 3 महीने में या शुरू के 4 महीने में आपने अगर कुछ बहुत डेंजरस दवाइयाँ ली हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकती हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है। तो बेबी का डेवलपमेंट देखने के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे कि 6ठे हफ्ते के बाद एक सोनोग्राफी होती है, उसमें देखा जाता है कि बेबी जो है वो सिंगल है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, कई बार ट्विन या ट्रिपलेट्स भी लग जाते हैं, तो वो कन्फर्मेशन होता है सोनोग्राफी में। ये देखा जाता है कि प्रेगनेंसी हेल्दी लोकेशन पे है कि नहीं, कहीं आपको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, क्योंकि साइन सिम्टम्स सब वैसे ही रहने वाले हैं प्रेगनेंसी, चाहे एक्टॉपिक हो चाहे नॉर्मल हो, तो वो चीज़ कन्फर्म होती है। तीसरी चीज़ बेबी का हार्ट बीट और उसका डेवलपमेंट, वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं, 6ठे हफ्ते के एंड तक मोस्टली हार्ट बीट आ जाता है बच्चे का। तो ये 3-4 चीज़ें देखने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर का पहला सोनोग्राफी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक दूसरा सोनोग्राफी भी होता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 11वें हफ्ते से लेके 13 वीक्स 6 डेज तक उसको किया जाता है, उसको हम NTNB स्कैन कहते हैं। और ये आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि ये NTNB स्कैन में आपके
ऑलमोस्ट 95% चीज़ें बच्चे के बारे में पता चल जाती हैं, कहीं कोई उसको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या उसके ब्रेन में कोई सिस्ट है, कुछ और प्रॉब्लम है, कोई ऑर्गन उसका नहीं बन रहा है, तो वो सब चीज़ें हम उसमें आइडिया लगा सकते हैं। 100% कुछ भी नहीं होता है, लेकिन स्टिल हमारी तरफ से कोशिश आपको भी करनी होती है और हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है बेबी के साथ जिसके साथ वो आगे सर्वाइव नहीं कर सकता, तो उसको जल्द से जल्द हम पता कर सकें। यहाँ पे तीसरा इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो है वो होता है डबल मार्कर टेस्ट, जो हम इस NTNP सोनोग्राफी के साथ करवाते हैं सबका। इस डबल मार्कर टेस्ट में बेबी की जेनेटिक स्टडी होती है, जीन्स में कोई कोई प्रॉब्लम है, कहीं काइंड ऑफ उसके क्रोमोसोम्स में लाइक डाउन सिंड्रोम, ट्राइजोमी 21, 18, 13, ये सब कुछ जेनेटिक कंडीशंस हैं जहाँ पे बच्चे में कुछ अनुवांशिक बीमारी हो सकती है, उसके मानसिक विकास में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो ये सब भी इस सोनोग्राफी के साथ टेस्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो था आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के साइन सिम्टम्स पे, बच्चे के डेवलपमेंट पे। अब मैं कुछ 2-3 इम्पॉर्टेंट टिप्स यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहूँगी सबको कंक्लूड करने के लिए। सबसे पहला, जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करते हो उससे पहले ही आपका प्रीकंसेप्शनल काउंसलिंग हो जाता है, डॉक्टर से आप मिल लेते हो, आपको कोई प्रॉब्लम, आपको कोई बीमारी तो नहीं है ऐसी जिसके वजह से प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होंगी, तो वो आपको पहले ही ट्रीट करनी है। एक बार जब आपकी प्रेगनेंसी लग जाती है तब आपको इमीडिएटली कंसल्ट करना होता है डॉक्टर के साथ, वो आपको आगे आपका पूरा प्रोसेस, पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, कब कौन सी सोनोग्राफी, कौन से टेस्ट होने हैं, वो सब आपको डिटेल में बता देते हैं। आपको अपना फॉलिक एसिड लेना नहीं भूलना है। फॉलिक एसिड आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट दवाई है इनिशियल फर्स्ट 3 मंथ्स में एटलीस्ट। वैसे ये 9 मंथ्स तक हम देते हैं, बट 3 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। रादर आप जब भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, आप सोचने लगते हो कि प्रेगनेंसी करनी है, तब से ही आपको फॉलिक एसिड लेना चाहिए। आपको वेट नहीं करना है प्रेग्नेंट होने का उसको लेने के लिए। आपको प्रीकंसेप्शन काउंसलिंग में ही हम लोग कह देते हैं कि आप एक गोली फॉलिक एसिड की डेली अपनी स्टार्ट कर दीजिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको खाना कम खाना है, लेकिन बार बार खाना है, थोड़ा थोड़ा बार बार आपको खाना है, एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। खाने के बाद इमिडिएटली लेटना नहीं है, उससे आपको एसिडिटी रह सकती है। पानी की मात्रा बहुत इम्पॉर्टेंट है, कम से कम 8 से 10 ग्लास डेली जाने चाहिए। अदरवाइज़ जो अगर हम लीटर्स में बात करें, आप अपनी एक अलग बॉटल रख लीजिए 1 लीटर वाली, उसमें 3 to 4 लीटर्स हम एडवाइस करते हैं कि आप इतना तो कम से कम ले ही लें। खाने पीने में मना, बहुत पेशेंट पूछते हैं कि क्या नहीं खाएं। प्रेगनेंसी में आप सब कुछ खा सकते हैं, वो कोई बीमारी नहीं है, आपको बस अपना डाइट हेल्दी रखना है, जंक फूड नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा स्वीट्स नहीं लेने हैं, पैक्ड आइटम्स नहीं लेने हैं, बाहर का आप जो भी मार्केट का खाना खाते हो उससे आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं तो वो अवॉइड करने हैं। घर का बना खाना आप कुछ भी खा सकते हो, बस थोड़ा थोड़ा और बार बार खाना है। दूसरी चीज़, फ्रूट्स में देखिए बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनके लिए मिथ्स हैं कि आप ये नहीं खाएं वो नहीं खाएं, लेकिन ओवरऑल एक पपीते को छोड़ के पपीता में भी कच्चा पपीता जो होता है, रॉ पपाया, उसके जो सीड्स होते हैं वो डेंजरस हो सकते हैं, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। अदरवाइज़ आप सब कुछ खा सकते हैं। ध्यान ये रखिए कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाइए, थोड़ा थोड़ा आप हर चीज़ को इंक्लूड कर सकते हो अपनी डाइट में। ड्राई फ्रूट्स भी आप एक साथ बहुत सारे खा जाओगे तो भी प्रॉब्लम करेंगे, सिमिलरली मैंगो बहुत सारा ले लोगे आप तो प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो बैलेंस्ड डाइट ज़रूरी है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहता है पेशेंट्स का कि प्रेगनेंसी में इंटरकोर्स आप कर सकते हैं कि नहीं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ब्लीडिंग नहीं है या डॉक्टर ने सोनोग्राफी में आपको कुछ अनहेल्दी नहीं बताया है, तो आप नॉर्मल अपना इंटरकोर्स कंटिन्यू कर सकते हो। बट हमारी तरफ से ये एडवाइस रहती है कि इनिशियल 3 मंथ्स जो हैं बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो अपना अटैचमेंट बना रहा होता है मदर के साथ, तो कुछ भी हम भी नहीं चाहते और आप भी नहीं चाहते कि कुछ अनहोनी हो या कुछ हाई रिस्क हो जाए, तो इसीलिए बेटर रहेगा कि आप 3 मंथ्स थोड़ा सा अवॉइड करिए। अदरवाइज़ एज सच कहीं भी बुक्स में या कहीं लिटरेचर में नहीं मेंशन किया हुआ है कि इंटरकोर्स से या सेक्स करने से बच्चे को नुकसान हो सकता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, हेल्दी ग्रो कर रही है, तो आप इंटीमेट हो सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो फर्स्ट ट्रेमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के ऊपर था और मैंने जितना मुझे समझ में आया, जितना मुझे लगा, मैंने सब कुछ इंक्लूड किया है। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।